हे गाइस नमस्कार, मैं सुरेश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे व्लॉग वीडियो में, और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आया हूँ हमारे एक साथी के घर। बीकानेर में एक गांव है गाडवाड़ा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो खेती में आपको नज़र दिखा रहा हूँ या नज़र आ रही है जो आपको, ये है मूंगफली की खेती। सो गाइज देखिए किस तरीके से कितनी इनके खेती होती है और क्या सिस्टम है, ये मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है मूंगफली और ये है हमारे साथी मिस्टर चंद्र प्रकाश जी। अब ये मूंगफली क्या है, इनकी खुदाई चल रही है और ये देखिए आपके सामने मैं दिखाता हूँ। ये इस तरीके से ये इनकी खुदाई अभी ट्रैक्टर के द्वारा की जा रही है। ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है सामने और ट्रैक्टर से मूंगफली को खोद करके, ये इनके 18 बीघा का चक है, इसमें मूंगफली है पूरे 18 बीघा। बहुत बड़े काश्तकार है ये। सो गाइज इनका एक पंप हाउस है, इनका गांव है गाडवाड़ा जो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है घर इनका। तो पंप हाउस पर इन्होंने घर बनाया हुआ है। ये देखो इनका छोटा चिंटू, क्या नाम है छोटू? रितेश। ये देखिए चंद्र प्रकाश जी का बेटा रितेश मूंगफली के खेतों में बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों कितनी सारी मूंगफली है इनके यहाँ पे और बहुत बड़े काश्तकार हैं, काफ़ी खेती है इनका। ये 27 बीघा का चक ये है और एक 27 बीघा का दूसरा है। यदि वहाँ पे सामने इसके अलावा काश्तकार लगे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ जूम करके आपको, वो पेड़ के नीचे काश्तकार लगे हुए हैं। और अभी इस ट्रैक्टर में कुछ मिस्टेक हो गई है, इस वजह से ये बंद है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाता। चलो देखते हैं आगे ट्रैक्टर ठीक होता है तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये ट्रैक्टर में कुछ मिस्टेक हो गई इनका, ये जो चक्कर है ये जो ये टूट चुका है, तो ये इन्होंने चेंज किया है और चेंज करने के बाद दोबारा ये चलाएंगे इसको, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और देखते रहिए किस तरीके से मूंगफली की खुदाई करते हैं। देखिए दोस्तों अब इन्होंने तैयार कर लिया है अपना और चढ़ गए हैं ट्रैक्टर के अंदर और अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और ये देखिए ये अब चलाएंगे और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से खुदाई करते हैं। ये देखिए चक्कर घूम गया है और ये देखिए इस तरीके से ये खुदाई होती रहती है मूंगफली की। और देखते रहिए दोस्तों किस तरीके से ये खुदाई कर रहे हैं और कैसे कैसे उनको क्या पीछे पीछे लोग चुगते हैं। एक बार ये खुदाई करके पटक देंगे, फिर इसमें कुछ मूंगफली जो रहती है उनकी बाद में एक छन्नी लगा करके ये छानते भी हैं मिट्टी को, जो नीचे टूटी हुई मूंगफली वो सारी निकल के आ जाती है बाहर। तो अब हम चल दिए हैं वापस इनके पंप हाउस की तरफ और ये जो इनके खेत हैं मैंने दिखाए थे आपको भी, और आगे इनका घर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों हम पहुंच गए इनके पंप हाउस पर, और मतलब यहाँ पे इन्होंने घर भी बना रखा है अपना, पर यहाँ पे कम रहते हैं, गांव में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई काश्तकार है तो सारा खेती, क्योंकि बड़े काश्तकार होते हैं वो, सारा कुछ सिस्टम देखिए आप। और हमारे 2 कट्टे 4 कट्टे खाद के लेके आएंगे, ये एक एक ट्रक खाद के एक बार में डलवाते हैं।
ये सामने देखिए खाद के कट्टे पड़े हुए हैं, उत्तम और डीएपी, ये ग्वार पड़ी हुई है, ये इनका 27 बीघा का चक्का है सामने जो नजर आ रहा है। ये इनकी चिड़िया रानी है, ठीक भाई, चलो मैं भी चलता हूँ बीकानेर की तरफ वापस।